विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्मरण करते हुए आज हमारे गुजरात के सभी साधक भाई बहनों ने जो कार्यक्रम संपन्न किया, वैसे मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, नर्मदा की परिक्रमा या नर्मदा का स्नान ही अत्यंत शुभ कहा गया है और हमारे जीवन में शुभता प्रदान करने वाला है। यह कार्यक्रम आज हमने किया और कल भी मैंने किया। याद तो वैसे मुझे भी दत्तु भैया की आती है, क्योंकि वो हर साधना से पहले आकर पूछा करता था कि भैया कौन सी साधना देनी है, क्या करना है। मैं क्षेत्र के अनुसार साधना देता था। अब इस बार की बारी में मेरा बेटा ही कहूँ, कम से कम उसने 8-10 बार पूछने के बाद भी मैं ये था, लेकिन मेरा मन की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं कौन सी साधना दूँ। साधना देने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, शिविर करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन पारुल बहन के एक कहने पर कि गुरुजी करना ही है, आपको आना है, कुछ ना कुछ करना है ज़रूर इसको, हमारे लिए तो आपको आना है और उन चीज़ों को भूलना ही, ये सत्य है कि आज जीवन में जन्म मरण तो सभी को लिखा हुआ है और जो हुआ उसको हम नहीं कर सकते। जो गुरुजी की इच्छा थी, अगर मैं विशेषता कहूँ तो स्वयं उसकी इच्छा थी, वो बीमार पड़कर रहना नहीं चाहता था। बार बार मुझसे हो या अपनी पत्नी से हो, बच्चे से हो, सबको यही कहता था कि मैं बीमार पड़ के मैं पलंग पर नहीं रहना चाहता, मुझे मृत्यु ही चाहिए। मैं इवन हॉस्पिटल में भी जब वो था तो मैंने बोला मैं तुझे तेरे लिए करोड़ रुपये भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तू बोल वो किट बिठाएंगे। उसने कहा भैया किट बिठाने के बाद भी मेरे को बेड पर रहना पड़ता, 6 महीने तो मैं तो बेड से नहीं उठूँगा, उसके बाद में जो होगा होगा, मुझे बेड पे पड़े रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तू ही कहता था कि मनुष्य सामर्थ्यवान जीना चाहिए, मैं बेड पर पड़कर असमर्थ जीना नहीं चाहता, यह दत्त भैया का और कहना था। तो मैं ये बात कह रहा था कि शार्दुल आकर बार बार पूछ रहा था कि बाबा ये शिविर है, उसकी साधना की सामग्री जुटाना है, आप साधना लिखो, साधना के लिए कुछ करो। बहुत विचार करता रहा और अयप्पा में बैठे बैठे मैंने ये विचार किया कि गुजरात की साधकों की विशेषता है, उनको लंबा चौड़ा मंत्र दे दो या लंबी चौड़ी साधना वाले तो कभी नहीं करेंगे, यहाँ से मेरे पास सामग्री ले जाएंगे, घर में रख देंगे, उनको करने उनको होता नहीं ना, क्योंकि वो कर्मवान हैं, कर्म करने वाले, कर्म पर विश्वास करते हैं और वो कर्म के बाद में नंबर 2 अगर हुआ तो गुरु पर विश्वास करते हैं, लेकिन गुरु का नंबर 3 ही आता है, दूसरा नंबर अपने घर के लोगों के लिए विचार करते हैं। तो ये सारी बातें तो हुई, तो मैंने ये विचार किया कि अब आगे इनके लिए तो कोई ऐसी छोटी साधना ढूंढो जो उनके जीवन में सामर्थ्य प्रदान करें, उनके जीवन में ना ऐसी कोई घटनाएँ जीवन में ना घटे जो मैं मेरे जीवन में मैंने देखा है। मेरा इससे पहला एक भाई था, वो भी हार्ट अटैक से गया और नंबर 2 अभी दत्तु भैया। वैसे पिताजी का तो की आयु हो गई थी तो उनका जाना था, मेरे जीवन में मैं ये सब देखते रहा, लेकिन इन सभी के होते हुए भी मुझे कहा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे वो शिक्षा, मुझे वो दीक्षा, मुझे वो धैर्य दिया है जो कि मैं खड़े रहूं और कुछ कर सकूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हल्के मन होते हैं, उनको थोड़ी सी भी कुछ हो जाए उनके जीवन में तो उसी को लेकर बैठते हैं और जीवन भर अपना सारे कर्म छोड़ देकर बैठ जाते हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मुझे कभी भी मैं बहुत बार लोगों को एक उदाहरण प्रदान करता हूँ कि अपने घर अपने जीवन में कष्ट आए या कुछ आए तो 1-2 मिनट के लिए विचार करना, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए गहरा विचार हो तो 2-3 मिनट बाद में हमें ये करना है कि हमें उसके पार करके तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लाहड़ी महाशय एक बार क्या कहते हैं कि उनकी पुत्री मर गई थी उनकी, और उनकी पत्नी यानी उस पुत्री की माँ रो रो कर हाल बेहाल कर रही थी, उनके पास भी शिष्य आते थे ऐसे बैठे हुए। लाहड़ी महाशय 1-2 दिन रह गए, 3रे दिन शिष्य आए केवल सांत्वना देने के लिए कि गुरुजी ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये पूछने के लिए आए। तो लाहड़ी महाशय बैठे और उनको प्रवचन करने लगे, तो बीवी ने उनकी पत्नी ने बाहर से उठाकर ये
जोर का बर्तन टपक दिया और कहा कि क्या तुम्हें थोड़ा भी बुद्धि है? बच्चे जाकर 3 महीने 3 दिन नहीं हुए और तुम प्रवचन करने बैठ गए, और वो शिष्य कैसे शिष्य तुम्हारे? ये कहने का शिष्य भी घबरा गया कि भाई ये प्रवचन क्यों कर रहे हैं, हम तो उनको सांत्वना देने के लिए आए थे। तो लाड़ी माशे का एक बहुत सारा बहुत अच्छा उदाहरण मुझे आज भी बार बार यही बात बताता है। बोले तुम जो बात कह रहे हो ये बात सच है कि दुख तो होता है, लेकिन कितने दिन? दुख करने से हम कर्मवान नहीं बन सकते, हम आगे का कर्म नहीं कर सकते। अगर एक दुख को पकड़ के लेकर चले तो उस दुख को मिटाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कीचड़ है, कीचड़ में तुम एक पत्थर मारो तो कीचड़ में पत्थर घुस जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नरम दिल है उसमें घुस जाएगा और वो जीवन भर के लिए तुम्हें सताते ही रहेगा। वो पत्थर घुसा हुआ है और उस कीचड़ है। तुम्हारे मन को घट कर दो, एक पत्थर को लेकर पत्थर पर मारो, एक बार के लिए चोट करेगा, उड़ जाएगा, निकल जाएगा। चोट तो दोनों को भी लगी, चोट इसको भी लगी, चोट उसको भी लगी, लेकिन फिर भी चोट को कितनी देर सहन करना है उतनी ही देर सहन करना है। ज़्यादा देर सहन करने से हम जीवन में कुछ कर्म नहीं, कुछ काम नहीं कर सकते। हम काम ही नहीं कर सकते तब हमें किस तरह का जीवन जीना है? आज सुबह आते आते कार में गोपी ने बातें सुनाना शुरू कर दिया था, किसी व्यापार के बारे में हो, किसी के बारे में हो। तो मेरा नज़रिया, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, मेरा दृष्टिकोण कभी व्यापार के बारे में हो या किसी के कोई भी चीज़ के बारे में, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, मैं व्यापार करने से पहले ये नहीं सोचता कि मेरे को इसमें कितना फ़ायदा होगा, मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ कितना पैसा आएगा, ये कभी विचार नहीं करता। मैं विचार ये करता हूँ कि इसमें इतना पैसा डाल रहा हूँ, इसमें नुकसान हो गया तो मैं कितना भोग सकता हूँ, इसको शेयर कर सकता हूँ, सह सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, ऐसा व्यापार करता हूँ। ऐसी ही साधना करता हूँ जिसमें अगर नुकसान हुए तो मैं सह सकता हूँ या नहीं, इसमें इस व्यापार में पैसा डाला हूँ अगर मैं डूब गया तो मैं सह सकता हूँ नहीं, इस तरह से व्यापार आरंभ करना हो या कोई साधना करनी हो या कुछ आगे चलना हो इस प्रकार करता हूँ। और मैं दुख नहीं अनुभव करता, मेरे कुछ नुकसान भी हुआ तो दुख नहीं है, फ़ायदा हुआ तो आनंद, कष्ट हुआ तो है, कष्ट तो होता मैंने पहले ही सोचा था इसलिए कष्ट होगा ही होगा, काम करता हूँ, सुख हुआ तो आनंद। तो इस यानी अपनी अपनी सोच अलग अलग तरीके की होती है कि हम अगर एक प्रकार के एक बिजनेस को पकड़ कर, मेरे पास बहुत सारे लोग गुरु जी वो बिजनेस आपने ऐसा कहा तो बहुत नुकसान हो गया, अब वो चार छः महीने खुद तो डूबता ही है, साथ साथ में बीवी बच्चों को लेकर भी डूबता है, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को नुकसान, उसका स्कूल बंद कर दिया, इसका घर भेज दिया उसको। अरे तू अगर उसको जरा रोकते रहे तो आगे क्या करना है तुझे पता चल जाता, लेकिन तू नहीं करता, तू डूबता है साथ में साथ के लोगों को लेकर डूबता है। तो इस प्रकार की विचारधारा को जब तक हम नहीं बदलते तब तक हम जीवन में आगे कुछ कार्य नहीं कर सकते, आगे कार्य करने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना होता है। इसी को मन में रखते हुए मैंने जब मेरे बेटे ने शिविर के बारे कहा था तो मुझे पता है पारुल बहन हो या फिर हमारे निमेश हो, ये साधक लंबी चौड़ी साधना नहीं करते, छोटी सी साधना दे दो तो कर लेंगे, कैसा भी काम चल जाएगा। तो सोचा ये कि इनको कोई ऐसी छोटी साधना दे दें जिसके बारे में मैं बहुत ढूंढता रहा। बाद में रुद्रयामल तंत्र में ऐसा लगा कि नर्मदा का गणेश जो है वो, उसमें नर्मदा के गणेश जी के बारे में लिखा है, जैसा मैंने कल बताया था कि गजानन महाराज ने निमोनकर नाम के आदमी को उस पत्थर को देकर पूजा करने के लिए कहा था और एक मंत्र देकर कहा था कि जिसकी जो इसकी पूजा करेगा उसका उसकी कुंडली जागरण होगी और उसको उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहता हूँ कि कैंसर हो, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा गया है, कर्क यानी ठेकड़ा, उसे ठेकड़े का रोग कहा गया है। साधारणतः आजकल तुम आप एक स्टडी करने से पता चल जाता है, कभी भी धनु मकर कुंभ मीन ये राशियों को, ये राशि वालों के लोगों को, इसके नक्षत्र वालों के लोगों को ही कैंसर होता है, और जो मेष वृषभ मिथुन हैं ये लोगों को हार्ट की बीमारियां आती है ज़्यादा से। वैसे ही कर्क सिंह कन्या हैं उनको लकवा मारना, ये सारी बीमारियां हैं जिससे आदमी आधा तो खलास हो जाते हैं, चाहे करोड़पति हो या कुछ भी हो, जैसा गुरु जी कहा करते थे। बिरला भी थे, गुरु जी के पास एक बार गए बिरला जी के घर में, तो गुरु जी ने बैठ कर उन्होंने कहा, वो पलंग पर पड़े हुए थे, पलंग सोने का बना हुआ था, गद्दा था और ये काटन का कपड़ा डालकर धोती डालकर सोए हुए थे। तो सभी लोग आए तो नौकर चाकर बहुत सूट बूट में थे सब नौकर चाकर, तो गुरु जी को बिरला जी ने आने के बाद कहा, ये गुरु जी का कहा हुआ है, मेरा कहा नहीं, गुरु जी ने स्वयं कहा है। तो गुरु जी को उन्होंने कहा, गुरु जी ये सब लोगों को भेज दो,
उन्हें गुरु जी कुछ पर्सनल बात करनी है शायद। गुरु जी ने कहा सभी को चले जाओ, सभी चल लोग चले जाओ। सभी लोग चले, गुरु जी अकेले बैठे। गुरु जी मेरी एक इच्छा है, बोलेगा करोड़पति आदमी, अब मेरे को इच्छा क्या बोलेगा, ये और क्या और कितना पैसा चाहिए, इसे क्या चाहिए, वो जानना चाहते थे। बोले बोलो क्या आपकी क्या इच्छा है बोलो। गुरु जी एक बात कहता हूँ, मैं खुशी के साथ एक आधा किलो मिठाई खा लूँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कुछ नहीं होगा। गुरु जी परेशान हो गए, मिठाई लाने इसको, ये मिठाई तो ला के खा सकता है, मिठाई तो इसके पास पड़ी हुई है, ये मिठाई तो नहीं खा सकता। तो गुरु जी क्या इसमें बड़ी बात क्या है, मिठाई अभी गुरु जी अगर मिठाई का एक टुकड़ा खा गया तो मैं तीन दिन चक्कर आके गिर जाऊँगा, मेरा रक्त खराब हो जाएगा, मेरा सर्दर स्टार्ट हो जाएगा, मैं मिठाई खा नहीं सकता। और मैं आपकी छोटी सी इच्छा आपको लग रही है, मेरे को बहुत बड़ी इच्छा है, बोले साले क्या बोले, मेरे ये नौकर सूट बूट डाले हुए हैं, रोज़ मेरे सामने मिठाई लड्डू खाते बैठते हैं, और मैं वो क्या चावल का पानी पीता हूँ और एक सूखी रोटी खाता हूँ, ये मेरी स्थिति है, और मैं रात भर बैठे रहता हूँ, इधर उधर पटे रहता हूँ, ये सारे घुर्राटे मारते सोते हैं, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, करोड़पति हूँ। ये इस ऐसी करोड़पति किस काम की, किस चीज़ को लेकर हम ये कहते हैं कि अगर हम बीमार पड़े हैं तो सीधे तरीके से बीवी सीधी बात नहीं करती, तुम बीमार पड़ के तो देखो एक बार, तो वो भी बात नहीं करती, क्यों, क्योंकि सारा तो काम का कम चाहिएगा, काम में नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आए, ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आए, तब रुद्रयामल तंत्र के उसमें कहा है कि जो नर्मदेश्वर गणपति है, नर्मदा में मिलने वाला गणपति, या फिर शिव के वीर्य से बना हुआ भारत का गणपति, इसको नर्मदा के तट पर ही अगर तीन दिन कोई साधक रात के 10 बजे के बाद साधना करता है, यानी एक पान के ऊपर कुमकुम से घेरा बनाकर स्वस्तिक निकालकर उसके ऊपर गणपति रखकर, मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो केवल 3 माला मंत्र जप करना है, क्योंकि आप बड़ा तो नहीं कर सकते, ये गारंटी देता हूँ तुम्हारे को कि तुम्हारे घर में कैंसर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है जो ये साधना संपन्न करता है। और धड़ल्ले और विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरी गुरु कृपा मुझ पर इतनी है कि पूरा कोरोना के 3 साल आपने देखा है, मेरे आश्रम में कोई मास्क नहीं पहना, मेरे आश्रम में गुरु जन्म दिवस हुआ, गुरु पूर्णिमा, कोई गुरु पूर्णिमा मास्क नहीं पहना, और एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोरोना हुआ भी होगा आश्रम वासियों को तो हुआ ही नहीं, बाहर के लोगों को भी नहीं हुआ, और हुआ तो कोई किसी को नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये मेरी गुरु कृपा की साधना है। मैंने कोरोना आने के बाद सिर्फ एक गुटिका देकर कहा था कि ये गुटिका तुम्हारे रखो, तुम्हारे को कोरोना इफेक्ट नहीं होगा, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो कोरोना शायद 100 लोगों में अगर एक कोई तो इधर उधर होता है तो मुझे पता नहीं, 1% भी नहीं, 0.01% भी नहीं, कोरोना किसी को नहीं होता, आज भी मैं वो बात कहता हूँ आपको। ये सब राशियों के अधिपति गणेश जी कहलाए जाते हैं, ये नर्मदा के गणपति, नर्मदा का तीर उत्तर तट देवताओं का है और दक्षिण तट पितरों का है, इसमें जो गणेश मिलता है केवल वो उत्तर तट पर मिलता है, दक्षिण तट पर लाल गणपति नहीं मिलता। और ये गणपति की साधना मैं सोचा था कि कल रात आ जाना तो अब 3 दिन में नर्मदा तट पर साधना संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन कल का दिन चले गया, आज सुबह का दिन भी चले गया। उस गणपति के उस मंत्र को अगर हम 3 दिन करते हैं तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारे की तुम्हारी साधना करने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और ना नकवा लगेगा ना किसी प्रकार का रोग आएगा। ऐसी साधना इसलिए ही लाया हूँ कि ये साधना किसी रोग या बीमारी को जो हमें बहुत जीवन भर सताती है या अपने को बेड पर डाल देती है या अपने कुछ काम करने नहीं देती, ऐसी साधना ये रुद्रयामल तंत्र में गणेश जी की साधना कही गई है। वैसे ही मैंने आज सौभाग्य सुंदरी के पास जाने के बाद आप सभी लोगों को उठाया, मैंने उसकी शायद कम लोग सुने होंगे लेकिन फिर भी एक बार फिर दोहराता हूँ कि सौभाग्य सुंदरी जी का की स्थापना कैसे हुई। जो आज सौभाग्य सुंदरी का स्थान है वो माता लक्ष्मी का घर वहाँ था, कहते हैं कर तो एक सत्ययुग में लक्ष्मी का स्थान वहाँ था। तो लक्ष्मी भृगु महर्षि जो विष्णु भगवान के और लक्ष्मी के बहुत ही प्रीतिकर थे और उन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया था और विष्णु भगवान भी उन पर प्रसन्न थे। लक्ष्मी जब कभी भी दिवाली के समय या इन पर्वों पर यानी अश्विनी मास में अगर आती थी तो यहाँ आकर उसको वास करती थी, जहाँ आज सौभाग्य सुंदरी का गांव है वहाँ उनका घर था। ऐसा सत्ययुग में आप स्कंद पुराण में देखें तो कहा जाता है कि वहाँ आकर लक्ष्मी का वास था, वहाँ रहती थी। हुआ ये कि लक्ष्मी को वैकुंठपुर जाना था, वैकुंठ में जाना था विष्णु भगवान अपने विष्णु भगवान से मिलने के लिए। वो जाते जाते समय अब विश्वास तो मेरे को ऊपर है, जिसको विश्वास है उसी को देता हूँ, उन्होंने वैसा ही उस
भृगु महर्षि को कहा कि मैं वैकुंठ जा रही हूँ, तुम इस एक घर संभालना। अब भृगु महर्षि तपस्या के लिए बैठ गए और उन्होंने वो तपस्या करने लगे। बाद में एक साल के बाद लक्ष्मी माता आई ऊपर से, आकर बोली भृगु महर्षि को, अब उठो, मेरा घर है, मेरे को मेरा घर मुझे दे दो। भृगु महर्षि को तपस्या भंग हो गया, अगर मैं इसको घर दे दिया तो मेरी तपस्या तो मेरे को एक साल करनी है, अगर हट गया तो ये कैसा होगा। उन्होंने झटके साथ कहा, मैं तो विष्णु को लात मारा हूँ, लक्ष्मी किस चीज़ की चीज़ है। उसने लक्ष्मी को झूठ कहा कि तुम्हारा घर कहाँ, ये तो घर मेरा है। अब लक्ष्मी को आया गुस्सा कि ये इसको मैं घर दे कर गया और ये कहता है कि ये घर मेरा है, मैं अब क्या करूँ। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, देवताएँ, लेकिन किसी को कोई किसी की मजाल नहीं। गाँव वालों के ब्राह्मणों को बुलाया क्योंकि उनको सबको पता है, और उन्होंने कहा, आप हे ब्राह्मणों, आप सच सच बताओ ये घर मेरा है या भृगु महर्षि का है। उनको पता था कि भृगु महर्षि गुस्से में विष्णु भगवान को ही लात मारे हैं, ये तो हमें श्राप दे देंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब किधर भी बोले तो भी कष्ट है, भगवान विष्णु हो या भगवान लक्ष्मी, की किन्हीं के फेवर में भी बोलने कष्ट ही है। तो उन्होंने कहा, जिसके पास घर की चाबी है वो घर उसका। अब चाबी तो भृगु महर्षि के पास थी। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि इस नर्मदा के तट पर इस स्थान में जितने लोग रहेंगे वो दरिद्र हो जाएंगे, मैं लक्ष्मी छोड़कर चली जा रही। और उनको 3 पीढ़ियों तक किसी प्रकार उनके घर में बुद्धिमान नहीं होगा, वेदों का आचरण करने वाला नहीं होगा, और उनको परमानेंट घर नहीं रहेगा। वो हर एक बार घर बदलते ही बदलते रहेंगे, उनको घर नहीं होगा, स्थायी घर नहीं होगा। जब ये भृगु महर्षि ने ये बात देखी, भृगु महर्षि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव बहुत ही तपस्यायुक्त हुए और उन्होंने भृगु महर्षि को प्रसन्न होकर कहा, क्यों ने मुझे बुलाया। तो उन्होंने ये सारी घटना सुनाई कि लक्ष्मी माँ यहाँ से चली गई है और यहाँ के लोगों को ऐसा श्राप देकर चली गई है, अब आगे इसका कैसा करना है। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो यहाँ रहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी शक्ति का रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं माता पार्वती का आह्वान करता हूँ। पार्वती को आह्वान किया, तब नर्मदा का जल तट आज जहाँ आज आप सौभाग्य सुंदरी को देखते हो वहाँ तक नर्मदा जल था, और उसमें एक ही कच्छप था, कच्छप होता टार्टाइज, तो वो टार्टाइज था, और उसके ऊपर माता पार्वती बैठकर शिव जी के लिंग के पास आई और कहा, माता पार्वती को देखने के बाद शिव जी ने कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो कच्छप पर बैठकर। और उन्होंने कहा कि आज से हे भृगु, जो इस माता को इसी रूप में साधना करेगा, इसी रूप में इसकी आराधना करेगा, उसका दुर्भाग्य भी हो या किसी ने श्राप भी दिया हो, किसी ने कोई गलती से कुछ कहा भी हो, उसका श्राप निरंतर चला जाएगा, और इसको इस यहाँ रहने वाले जो ब्राह्मणों को श्राप दिया गया है वो ब्राह्मणों का नियम ये होगा, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, और इसलिए मैं इनका नाम सौभाग्य सुंदरी रख रहा हूँ। अब आई बात, ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, कभी कभी अपने माता पिता अपने पर गुस्सा करते हैं बड़े होने के बाद। अब उतनी बात कह, मेरे पिताजी मुझे गुस्सा करते, बहुत खर्चा कर देता है, इसको पता नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, ये सब लोग सुनते थे। और गुरुजी के पास जाने के बाद भी मेरे पिताजी गुरुजी को खत लिखे कि ये साधना के नाम पर बैठा है, नौकरी छोड़ रहा है, सरकारी नौकरी ब्राह्मणों को पहले मिलते नहीं, ये सरकारी नौकरी छोड़ के साधनाओं के पीछे पड़ा है, आप उसको बताओ। मेरे यानी बड़े गुरुदेव जी को मेरे पिताजी ने लेटर लिखा था, ये तो बात आप सब जानते हैं। आजकल मैं साधनाओं में सुनता हूँ, गुरुजी मेरी पत्नी साधना नहीं करने देती, मेरे बेटे साधना करने नहीं देते, मेरे माँ बाप साधना नहीं करने देते, मेरे सास ससुर साधना नहीं करने देते, ऐसे मेरे पास रोज के कॉम्प्लेंट्स हैं। और दूसरी बार साधना करते समय गुरुजी मन नहीं लगता, मन चंचल होकर घूमता रहता है। या चौथी बार कहते हैं कि गुरुजी बीमारी की वजह से ज़्यादा देर पाँव में बहुत दर्द है गुरुजी, 1 मिनट बैठता हूँ और पाँव दर्द देता है, गुरुजी के चेयर पर बैठ के साधना करता हूँ। मैं बोला सो जा के साधना कर लेते हैं, अब क्या सर दर्द कितना बोल के उन्होंने पहले तो चेयर पर बैठकर साधना बुला, बाद में सो के साधना करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो साधना क्या करोगे। साधना करने के बाद अब आगे कुछ जीवन में साधना कुछ सिद्धि करना है तो किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपन हम साधना करते समय ऐसी अड़चने ना आए, या अपने बड़ों का श्राप कभी कभी अपने को काम करता है, कितने भी अच्छे हो। आपको अगर आप लास्ट गुरु पूर्णिमा आए होंगे तो एक अपने आश्रम में चंदन नाम का लड़का था, वो आश्रम में करते करते अपने कुंड में ही ज़्यादा पानी नहीं था, उसने पिताजी के साथ सुबह झगड़ के आया था, उसके पिताजी का और उसका झगड़ा बहुत रोज से चलता, तू मर रहा, मैं तो मर रहा, ऐसी बातें थी। किसी बात में उसके पिताजी ने कुछ गाली दे दी, उस दिन वो 2 दिन से बिना खाए साधना को आया।
और हम सब लोग साधना करके 8 बजे सब लोग उठ कर रहे थे, उसका पांव फिसल गया और कुंड में गिर गया और मर गया। बाद में स्वयं उसकी माँ वहाँ थी तो अच्छा हुआ, माँ ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है कि सुबह से खाना नहीं खाया था। बाद में बता, मैं तुम्हें ये बात क्यों उदाहरण दे रहा हूँ कि कभी कभी अपने माता पिता भी अपने को श्राप देते हैं किसी कारणवश, अपने सास ससुर भी किसी कारणवश श्राप देते हैं, या किसी कारणवश अपने को कोई बड़ा आदमी गुस्सा करता है, अपने गुरु का क्रोध अपने ऊपर रहता है, या किसी, ये सारी चीज़ें कभी न कभी किसी न किसी तरह अपने पीछे घूमती ही रहती है और अपने कामों में, अपने कर्मों में अड़चन निर्माण करती है। अपने कामों में अड़चन निर्माण हो रहा है तो या तो ग्रहों का कोप होगा, या तो देवता का कोप होगा, या तो पितरों का कोप होगा, या तो फिर हमारे कर्मों का कोप होगा। ये सब कोप हमके अनजाने में होते हैं या जाने में होते हैं, अपने को पता चलता है कि अनजाने में या जाने में अपने को ये क्रोध हुआ है। आज समय ऐसे समय में इन सब शापों का उद्धार होने, इस शापों का उद्धार होकर हमारे बिजनेस में हमें अड़चन आ रही है, या हम करेक्ट सब काम करके रखे हैं, सड़न हम बीमार हो गए, उसी दिन जाना है। और ज़्यादातर आजकल को देखा गया है कि डाइवोर्स के किस्से, एंड डाइवोर्स में पति पत्नी का झगड़ा और पत्नी 2 दिन में बाहर, ऐसी चीज़ें तो बहुत सामने आ रही। ऐसे समय में ऐसा क्यों होता है? उस ज़माने में एक क्या था कि पत्नी अपने पति को ही पकड़ कर रहती थी, आजकल स्त्रियां भी अपनी नौकरी के कारण एकदम स्वतंत्र हो गई है और उसको नहीं लगता कि किसी का रुबाब मेरे ऊपर चले, मैं मेरा काम करता हूँ तू तेरा काम कर। और ये काम क्या होता है पति पत्नी की, ये दोनों तो झगड़ते हैं लेकिन नुकसान होता है बच्चों का, और बच्चे आगे उस सुख को भोग नहीं सकते जो चाहिए, और इस प्रकार संसार विस्फलित हो जाता है, गृहस्थ का सुख नहीं मिलता। चाहे तुम कितना भी, पत्नी भी कमाओ पति भी कमाओ, दोनों कमा रहे सब कुछ, लेकिन बच्चों का क्या, संसार का सुख कहाँ है? सास ससुर आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे देखने में, जहाँ तक मेरा देखना है, कि आजकल माँ बाप केवल दाया का काम करते हैं। अगर बच्चे अमेरिका में हैं और बेटी और बेटा या दामाद और बहू साधना कर रहे हैं तो 6 महीने सास ससुर रहते हैं, 6 महीने माँ बाप रहते हैं बच्चों को देखने के लिए। ये स्थिति हो गई, आज उनकी स्वतंत्रता नहीं, वो कुछ अपनी साधना नहीं कर सकते, अपनी साधना अपने जीवन में कुछ कम से कम बुढ़ापे में एक सुख अनुभव करना चाहते हैं, वो सुख भी अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति आजकल का, आज 2 ही बच्चे, बेटी कहती है कि माँ मेरे को नौकरी जाना है, बाप दामाद कहता है मुझे नौकरी जाना है, फिर बच्चों को देखे कौन? बच्चों को पालने के लिए माँ बाप को बुलाया जाता है अमेरिका, 6 महीने सास ससुर रहेंगे 6 महीने, ये भी कहती है हम कितने दिन करना, वो कहते हैं हम। तो इसी में क्या हम इतना पैसा कमा के इतना सब क्या सुखी है? हमने सुख अनुभव किया है, ये सुख अनुभव कर रहे हैं, और ये जब तक हमारे जीवन में ऐसा ही जीवन चलता रहा तो आजकल हमारे में प्रेम नहीं रहा, केवल पैसा रहा है, भाई बहन पति पत्नी या इसमें केवल पैसा बात करता है। ऐसे समय में यह कार्य करने के लिए ही सौभाग्य सुंदरी का यहाँ आवरण हुआ है, और कहते हैं कि जिसने भी सौभाग्य सुंदरी का दर्शन किया, सौभाग्य सुंदरी का दर्शन करके सौभाग्य सुंदरी का मंत्र जाप किया, उसमें एक पान पर कुमकुम से एक छोटा सा यंत्र निकाल कर सौभाग्य सुंदरी का यंत्र रखकर उसके ऊपर अगर हम पूजा करते हैं और केवल 5 दिन या 11 दिन या कुछ एक माला मंत्र जप करते हैं, तो उस घर में ये जो मैंने आपको बताया, जो झगड़े हैं, पति पत्नी का विचलित होना, या बच्चों का माँ बाप से अलग हो जाना, या फिर हम किसी बीमारी की वजह से अपने घर में कर्मरत नहीं होना, कर्म कार्य नहीं करना, अपने कार्यों में अड़चन निर्माण होना, या अपने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उनको नहीं मिलता, फल आते समय कोई ना कोई उठा के ले जाता है, लूट के जाता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कही है भृगु वंशस्थ लोगों को या भार्गव लोगों को, तब भृगु महर्षि ने आकर सौभाग्य सुंदरी को कहा माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं ये रूठी हुई लक्ष्मी को फिर मनाऊं। तब उन्होंने कहा कि तुम इस मंत्र का साधना करो, सौभाग्य सुंदरी की माँ मंत्र किया तो मकर राशि पर स्थित जब समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी बाहर आई, उस समुद्र मंथन से बाहर आई तो लक्ष्मी ने देखा कि मुझे कहाँ जाना है, तब कहते हैं कि देवताओं ने इंद्र ने कहा कि तुम्हें भृगु महर्षि के पास जाना है, वो तपस्यारत है तुम्हारे लिए। तो उस समय भृगु महर्षि ने अपने को लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में आह्वानित किया, और जिस घर में उस संस्थान में जब बेटी होती है तो वो कुछ न कुछ सौभाग्य लेकर आती है, ऐसा सौभाग्य सुंदरी का कहना है, और उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई। तो इतना दुर्भाग्य भी, यानी जैसे भृगु महर्षि को स्वयं लक्ष्मी ने श्राप देकर भी फिर इस सौभाग्य सुंदरी का मंत्र करने के बाद फिर लक्ष्मी भी उनके घर में आकर टिक गई। जिनके घर में ये अड़चन है, पैसा कितना करने पर भी नहीं आते, घर में कोई रोग से पीड़ित है, घर में किसी प्रकार का सुख नहीं है,
तो इस सौभाग्य सुंदरी साधना को संपन्न करें, वो भी नर्मदा तट के ऊपर, कम से कम एक दिन तो करें। एक दिन इस साधना को करने से हमारे घर में ये जो सुख से हम दूर हैं, उस सुख से दूर ना रहते हुए हम उस सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा गया कि हमारे जीवन में ये दुख प्राप्त होने के कारण मैंने अभी बताया आपको, या को ग्रहों का दोष होना, या तो पितरों का श्राप होना, या देवता का कोप होना, या फिर हमारे हमारे पास ही हमारे जो हम अपने चाहने वाले हैं किसी स्त्री का दोष होना और उसका श्राप होना, यही कारण है कि हमें इन सारी चीज़ों को भोगना पड़ता है। मैंने ऐसा सुबह कहते कहते कहा कि हनुमान जी स्वयं पूरा राम राज्य की स्थापना करने के बाद हनुमान जी जब गए रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु ये सारा संसार अब आपका राम राज्य सब कुछ ठीक है, मैं थोड़े दिन के लिए तपस्या के लिए चले जाता हूँ। रामचंद्र ने कहा बहुत अच्छा, जाओ हनुमान जी। तो हनुमान जी बोले कहाँ जाएँ, तो हम कैलाश पर्वत पर हिमालय जाते हैं। कैलाश पर्वत पर हनुमान जी उड़ के निकले गए और वहाँ बैठ गए। तो वो शिव जी से मिलने के लिए जाना, जो शिवंश रुद्रांश था, मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, तो नंदीश्वर ने रोक दिया। नंदीश्वर ने कहा आपको अंदर जाना मना है। अब हनुमान जी ने कहा क्यों भाई, मैं क्या दोष किया हूँ। बोले तुमने 4 करोड़ राक्षसों को और कम से कम 10 ब्राह्मणों को तुमने मारा है। बोले कैसा, अरे वो तो दुष्ट थे, उनको दुष्ट को मारना नहीं है क्या। ऐसा ने कहा दुष्ट को मारना, मारने या ना मारने ये तुम्हारा काम नहीं है, जो हुआ है ये तो तुम्हारे खास तुमने संहार किया है, इस संहार का दोष जब तक है तुम अंदर नहीं जा सकते, शिव जी का दर्शन नहीं, तुम्हें पाप लग गया। अब वो बोले पाप लग गया है तो इस पाप को कैसे है, ये दोनों का वाद विवाद हो रहा था। तो भगवान शिव ने बात सुनी और शिव जी आए और शिव जी ने कहा कि हे हनुमान, वो जो कहता है उसे वो तपस्यारत मेरे शिव भक्त थे, रावण भी शिव भक्त था या कुंभकर्ण भी शिव भक्त था और उनके घर वाले भी शिव भक्त थे, और तुमने मंदोदरी को भी विधवा बनाया केवल रावण के इस के कारण, और कुंभकर्ण की पत्नी, उनके बच्चे, बहुत सारे लोगों को तुमने विधवा बनाया, तो इसका तो दोष तुम्हें लगेगा ही लगेगा। इस दोष की निवृत्ति के लिए तुम्हें नर्मदा के तट पर कुंभेश्वर महादेव है, वहाँ जाकर तुम आराधना करो तो तुम्हारे इस पाप का पाप की निवृत्ति होगी। और आज आप सबने भी कुंभेश्वर महादेव का दर्शन लिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में कहा गया है। ये जब बात आई गई हुई, हनुमान जी जब भागकर फिर रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी के पास खड़े रहे, बोले क्या हुआ हनुमान जी, तपस्या को गए थे लौट कर आए। बोले क्या कहूँ प्रभु, क्या बात है, बोलो तो सही। बोले मुझे शिव जी का दर्शन के लिए जाना नहीं हुआ, क्यों। तो उन्होंने कहा कि रावण अगर उनको लो तो मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की है, इसलिए मुझे पाप लग गया है मुझे जाने। अरे सहायता करने वाले का ये हाल है तो मारने वाले का हाल क्या है, मैं तो मारा हूँ, मेरा हाल क्या है, प्रभु अब आप जाने। फिर तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और कहा, तो रामचंद्र जी को कहा हाँ तुम्हें तो ये भोगना ही, तुम्हें इस पाप को अनुभव करना ही। तब तक सीता जी वनवास चली गई थी और गर्भवती स्त्री को छोड़ दिया था। तब रामचंद्र जी को पता चला कि मुझे क्या हुआ, राम लक्ष्मण जी ने आकर ही कुंभेश्वर महादेव की साधना फिर संपन्न करनी। और कहा जाता है कि उनकी अश्वमेध देखने के लिए स्वर्ण की सीता कुंभेश्वर महादेव के पास ही रामचंद्र जी ने तैयार की थी, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया। यानी स्वर्ण की सीता जो यज्ञ में पत्नी चाहिए इसके लिए यही बनाई गई थी। तो मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कितना भी पाप अपने साथ अगर जुटा हुआ हो और अपने कामों में अड़चन आ रहा हो या अपना दुर्भाग्य हमें सता रहा हो, तब हम इस सौभाग्य सूत्री साधना बार बार ये कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नर्मदा तट पर ही करना ये श्रेष्ठता है। इसलिए हम नर्मदा के तट पर अब पारुल बहन और उनके साधकों की वजह से आज हम नर्मदा तट के ऊपर बैठे हैं। आप सब लोग अगर इस साधना को आज रात में 10 बजे के बाद गणेश जी की साधना और कल सुबह सौभाग्य सूत्र की पहली साधना यहाँ से आरंभ करते हैं तो आप इन सारे दोषों से मुक्त हो जाओगे। बाद में आपको जो साधना करना है वो घर जाकर कर सकते हैं, लेकिन ये साधना संपन्न करना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। और इस साधना को संपन्न करने से अपने जीवन में मैंने ऐसे जैसा आप कहा, कभी कभी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे गुरु कृपा से मैं इतना कहता हूँ कि आप अगर कहते हैं तो मैंने जिसे रोग बताए मकर कुंभ मीन ये राशियों को, धनु मकर कुंभ मीन राशियों को कैंसर का आना ज़्यादातर, हमारे शिष्य महाराज खाली बैठते नहीं, गुरु जी तंबाकू खाए तो भी कैंसर नहीं आता क्या पूछ रहे तंबाकू खाया हो आदमी भी अगर ये साधना करे तो उसको कैंसर नहीं आता क्या। मैं बोला नहीं आता, गारंटी मेरी, तुम साधना तो करो, पहले साधना करने के बाद बताओ, साधना करो और तंबाकू खाओ, मैं देखता हूँ कैंसर कैसा होता है। तो मैं आपको ये कहना, अभी हमारे शिशु हमारे खाली नहीं बैठते, कभी उसने उनका प्रश्न और मेरे चलते रहता है, तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैंने उनके कहा कि ये सारी चीज़ें अपने जीवन में ना आए तो हम इस
हरिश्वर गणपति के नर्मदा के तट पर अगर हम साधना एक माला भी मंत्र कर लेते हैं तो हम इन सारी पीड़ाओं से ग्रस्त नहीं होंगे और हम हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाएंगे। इस दो दिन की साधना तो हुई, ऐसा मैं कहने के बाद मैंने कहा कि आगे अब साधना तो पार्लियामेंट दो साधना के लिए तंग हो जाएगी, तीसरी साधना नहीं देनी है। भाव अभी शार्दुल भैया पूछ रहे थे कि और तीसरी साधना, अरे ये दो साधना करे मेरे भाग्य है, उनका भाग्य नहीं मेरा भाग्य उदय आ गया। अगर ये दो साधना अगर करते हैं तो मेरा भाग्य उदय हो गया, मैं अच्छी तरह खाना खाया समझता हूँ। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि मैं नर्मदा तट पर रहने के कारण बहुत सारी साधनाएं इससे पहले हुई थी, लेकिन इस साधनाओं को आप यहाँ संपन्न करते हैं। आज 10 बजे के रात के 10 बजे केवल 3 माला जप है, एक पान के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक निकालकर उसके ऊपर गणेश जी को स्थापना करते हुए अगर आप 3 माला में जप करते हैं तो मैंने निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके जीवन भर में कभी वो रोग नहीं आएंगे जो मैंने आपको कहा है, और आगे के जीवन में सौभाग्य स्तर की साधना आपको हो नहीं सकती। तो आप अगर नर्मदा में स्नान करके कल सुबह वो साधना नर्मदा के तट पर कर दे तो आपके जीवन में तो कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा, और दुर्भाग्य हो तो भी चला जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप साधना संपन्न करें, और मैंने उतनी दूर से आपके लिए अगर आया हूँ, आप मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन तो एक कारण है मेरा यहाँ आने का। मैं बहुत बोल गया था इस बार, लेकिन पार्लियामेंट के बहुत कहने के बाद मैं आया हूँ। इस बार शिविर ही नहीं करना है, ऐसा ही बोलते रहा, लेकिन सभी का कहना है कि गुरु जी एक बार आप बाहर आओ, आप बाहर नहीं आए तो हम और भी ये हो जाएंगे। तो मैं इस शिविर के लिए आया हूँ, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से साधना संपन्न करें और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएं, कभी असमर्थ ना जिए। मैं पहले से भी, मैं अगर मेरे बचपन के, मैं तुम्हें कहता हूँ 8-10 साल की उम्र में हम, आप क्या कहते हैं अपने घर के ऊपर लकड़ी के ये बने होते थे, उसको क्या बोलते हैं आप, लकड़ी ऊपर छत के ऊपर लकड़ी लगाते थे ना, बड़े बड़े खंभे लगाते थे, हमारा पहले लकड़ी का घर था, उसके ऊपर मैंने चाकपीस से लिखा था, मैं घर जब तक गिराया नहीं तब तक भी मेरे बच्चों तक भी यही बात कहता रहा, और आज भी यही बात करता हूँ। असमर्थ जीने से भी मृत्यु भली, असमर्थ जीने से भी मृत्यु को प्राप्त करना ठीक है, लेकिन असमर्थ जीना नहीं, जीना तो सामर्थ्यवान जीना, छाती ठोक कर जीना और कहना ऐसा जीना कि लोग कुछ कहा। अभी ऐसा ही बैठे बैठे निमेश भाई भी कभी कहते हैं, हमारी वो भी कहते हैं क्या गुरु जी रोज़ साधना करते हुए न मिले, रोज़ खाना खाना जितना ज़रूरी है और ये करना साधना भी जीवन में उतनी ही ज़रूरी है, कि हमारे जीवन में नई नई समस्याएं आती हैं, नए नए व्यापार आते हैं, नए नए बीमारियाँ आते हैं। कल तक कोरोना को कोई देखा भी नहीं था, कोरोना नाम की बीमारी आई, कल वायरस की बीमारी आई, नई बीमारी के लिए नई साधना जरूरी देनी है। इसलिए हमारे जीवन में जैसे जैसे समस्याएं हैं वैसे वैसे साधनाएं देना जरूरी है। आजकल आंखों का लाल होना, रहते रहते आंखों का लाल हो जाता है, किसी की सांस फूल जाती है, लंग कैंसर आ गया, अरे पहले ये सब क्या थे, वो लोग जिए नहीं क्या, वो लोग भी जिए। ऐसा ही जाते थे शेषु महाराज, मैं उदय महाराज जा रहे थे तो शेषु महाराज का कहना था, हम जाते देख रहे थे कि गुरु जी वहाँ जाओ मत जाओ, जाओ वो पानी अच्छा है वहाँ, वो पानी अच्छा नहीं है, नल अच्छा नहीं है, वो नल वो क्या उसके पास नाली के पास है, आप पानी मत पियो, ऐसा करा था। मैंने उनको बताया कि ये कुत्ता वहाँ पानी पी रहा था, मैं बोला इसको कैंसर आता क्या, ये कुत्ते को जो पानी पी रहा है ये इसका ख़त्म हो जाएगा क्या बीमारी से, उसको नहीं है तो तेरे को मेरे को बीमारी, तुम ज़्यादा स्वच्छ होकर बीमारियाँ ज़्यादा ले लेते हो, नॉर्मल रहो, प्रकृति के साथ एकात्म हो जाओ, तादात्म हो जाओ, तुम्हें कुछ बीमारियाँ नहीं आती। हम प्रकृति के साथ मिलते हैं, हम आजकल प्रकृति के साथ मिलना छोड़ दिए, नदी का पानी पीना छोड़ दिया, वो RO का वाटर पी रहे हैं, बिस्लरी का वाटर पी रहे हैं, रोटी में खा जाओ तो पहले रोट जहाँ जवारी करते थे वहाँ से जवारी लाए निकाले, जवारी कच्ची जवारी खाते थे, आज कच्ची जवारी, अरे उसको मिट्टी लगी हुई नहीं नहीं खाना, अरे मिट्टी खाकर मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने वाला, मिट्टी को खाके तो देखो। आज मैं हूँ, माता जी हूँ, बचपन से ऐसे ही खाना खा के आज मैं कहता हूँ कि तुम्हारे से भी हम दोनों अच्छे हैं, आज भी आगे चल सकते हैं। हमारी गोभी को तुम अगर 3 किलोमीटर चलाओ तो 1 किलोमीटर के बाद कार कहाँ है ढूंढते रहेगी, कोई व्हीकल मिलेगी नहीं। 1 किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा हो गया।
ऐसे शरीर को लेकर क्या कि जो दूसरे पर आधारित हो, कार पर आधारित हो, हम चल सकने की क्षमता रखें, हम आगे आए, हमारे में कोई बीमारियां हमारे पर ना हो, तुम्हारा कितना भी दुर्भाग्य हो उसको मिटाने के लिए एक बार सौभाग्य सुंदर साधना करें और आज उस नर्मदा गणपति की साधना संपन्न करें। ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ, आपके साथ मैं भी साधना करता हूँ, क्योंकि फिर मैं नर्मदा के तट पर आकर साधना करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं आज भी साधना करता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूँ। और आज एकादशी का दिन है, मैं चाहता हूँ कि निमेश उठें और आप उठो और एक बार गुरुजी की आरती संपन्न करो। करने के बाद तुलसी उठ के गुरुजी की आरती संपन्न करो, इसके बाद भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। आज क्योंकि हमारे परल बहन पूजा करके करके थक गई है, गुरुजी के साथ करके थक गई पूजा है, क्या गुरुजी आरती हाथ में आरती पटा दे टपा देते हो। आइए आरती।